नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला ऐसी भी है जहां हम वर्तमान को साथ लेकर चलते हैं और आज के सवालों पर बात करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ डॉक्टर अनंत भटनागर जी हैं, जो अजमेर से हैं। आप श्रमजीवी महाविद्यालय अजमेर में प्रिंसिपल आचार्य हैं, साथ में ही जितने अच्छे लेखक हैं उतना अच्छा व्यक्तित्व आपका सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। तो आज भटनागर साहब से जब बात हुई आज के सवाल को लेकर, तो बहुत ही मौलिक प्रश्न सामने आया कि अभी कुछ दिनों पूर्व अपने देश में गीता प्रेस को लेकर बड़ा सम्मानित किया गया, बहुत अच्छी बात है, दिल दिल में उसके लिए आस्था है और सम्मान है। लेकिन प्रश्न भटनागर साहब की तरफ से ये उठ गया कि भाई गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा उनको सम्मानित किया जाना कुछ गले नहीं उतर रहा है। तो हमने कहा ठीक है, आप इस पर ही अपना उद्बोधन दे दीजिए और समसामयिक है और बात होनी चाहिए। तो मैं भटनागर जी से आग्रह करूंगा इसी प्रश्न के आसपास केंद्रित रहते हुए आप अपनी बात कहें। भाई अनंत भटनागर जी, आपका स्वागत है। सभी जो जन सरोकार मंच के जो इस मंच के माध्यम से जो श्रोता रहे हैं उनको भी नमस्कार। बात दरअसल यहाँ से शुरू होती है कि हम कौन सा पुरस्कार किसको दे रहे हैं। जिसको हम पुरस्कार दे रहे हैं क्या उसके द्वारा स्थापित मूल्य और जिसकी स्मृति में या जिस उद्देश्य से कोई पुरस्कार दिया जाता है क्या उनमें समानता है या नहीं है और कितना उसमें अंतर्विरोध है, इस बात में कोई दोहराई नहीं हो सकती कि गीता प्रेस 100 वर्ष प्रेस है जो करीब 40 से 50 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है। तो प्रकाशन के क्षेत्र में ये दुनिया का इस तरह से काम कर रही हो और सतत रूप से काम करती रहे, इतना बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया। तो प्रकाशन की दृष्टि से अगर हम बात की जाए तो दोनों नहीं की गीता प्रेस एक सम्मान के योग्य है जिसने एक विशेष उद्देश्य के साथ अपने काम को करते हुए उसने इस ऊंचाई को प्राप्त किया। लेकिन गांधी शांति पुरस्कार ये गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा नहीं बल्कि ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये 1995 में शुरू हुआ। 1995 महात्मा गांधी की 125वीं जयंती थी, जयंती वर्ष था, उस वर्ष भारत सरकार ने इस पुरस्कार को स्थापित किया और इसके लक्ष्य में कहा गया कि महात्मा गांधी के विचारों को महात्मा गांधी के विचारों को स्थापित करने वाले व्यक्तियों संस्थाओं और संगठनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। बस की शुरुआत से नेल्सन मंडेला, डेस्मंड टुटु से लेके गांधीवादी तरीकों से चाहे कुष्ठ रोग का दिशा में काम करने वाले संगठन हो, रामकृष्ण मिशन हो, पर्यावरण की चंडी प्रसाद भट्ट हो, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है। 25 वर्षों में 25 पुरस्कार नहीं दिए गए, गैप भी रहे, लेकिन जो एक पृष्ठभूमि है कि जो गांधी विचार थे, गांधी का जो समाज में जो योगदान था, उन मूल्यों को जो व्यक्ति संगठन संस्थाएं
स्थापित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसमें बिल्कुल उस अहिंसावादी तरीकों से काम करते हुए जो स्थापित करते उन संगठनों को दिया, तो इसको लेकर विशेष कभी विवाद रहा नहीं। प्रश्न होता है कि प्रेस का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है और उसका जो कार्यकलाप रहे हैं, क्या वो महात्मा गांधी के विचारों से मेल खाते हैं? तो इस यही से राजनीति यही शुरू होती है कि महात्मा गांधी के विचारों से अलग संगठन को, संस्था को ये पुरस्कार दिया गया है। विरोध का प्रश्न यहाँ से पैदा होता है। हम लोग कहते हैं कि भाई इसमें क्या है, अगर कोई प्रचार कर रहा है, कोई पुस्तक छाप रहा है, तो निश्चित रूप से पुस्तक छापना और उसका प्रचार करना तरीका तो अहिंसावादी तरीका तो, लेकिन क्या गीता प्रेस के प्रकाशन से गांधीवादी मूल्यों का प्रचार प्रसार हुआ या नहीं? यही आखिर समस्या है। सबसे पहले विमर्श तो जहां से शुरू होता है वो स्त्री विमर्श से हम बात करें। गीता प्रेस ने जो, और अपनी कल्याण पत्रिका हो, चाहे सभी स्त्री के लिए नैतिक दायित्व, पत्नी के दायित्व कैसे हों, ऐसी पुस्तिकाएं निकली, और उसमें सिर्फ जो कूड़ा परंपरावादी जो दृष्टिकोण था उसका भयंकर रूप से पोषण किया। और वो कहता है कि पत्नी पति पत्नी या सद्गृहस्थ के लिए पत्नी को पति के कहे अनुसार चलना चाहिए, उसका आज्ञा पालन करना चाहिए, घर के परिवार के सब सदस्य खाना खा लें तो बच्चे तो खा लेना चाहिए, और किसी चीज के लिए प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, पति की आज्ञा माने, पिता की आज्ञा माने, पुत्रों के अनुसार चले, वो स्त्री जो है वो आदर्श स्त्री। महात्मा गांधी आज से 100 साल पहले इस विचार के विरोधी और सबसे अखंड विरोधी है, और जिन्होंने इसको स्थापित किया वो न सिर्फ ना विचारों से बल्कि अपने आचरण। गांधी आश्रम स्त्री स्वतंत्रता के पर्याय बन के उभरे, जहां स्त्रियों का काम सिर्फ सेवा करना नहीं था बल्कि वो बराबरी का आसन था। महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी तक को बदल दिया, जो कि एक परंपरागत स्त्री थी, और उन तक को भी प्रेरित करके आंदोलन में आगे कर दिया 1942 के आंदोलन में, और 1930 के बाद से तो जो परिवर्तन एक पूरे भारतीय समाज में महात्मा गांधी ला रहे थे वो था स्त्री पुरुष समानता। और वो कदाप इस पूरे तथ्य के साथ उन्होंने इसको स्थापित किया, और गीता प्रेस आज तक भी उन मूल्यों के प्रसार में संलग्न है जो इसके बिल्कुल विरोधी। तो ऐसे स्त्री पुरुष असमानता का सिद्धांत, जो कि एक गांधी का मूलभूत सिद्धांत है, उसके साथ उसके विरोधी संस्था को कैसे सम्मानित किया जा सकता है? दूसरा प्रश्न उठता है वो दलित विमर्श से है, और निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया वो समूची भारतीय चेतना को बदलने का काम था, और वह ये था कि वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, और अंबेडकर के आंदोलन के बाद से तो उन्होंने यह भी स्वीकार करना शुरू कर दिया कि जो इतने विगत वर्षों से मनुष्य का मनुष्य के साथ जो एक रिश्ता रहा है, ऊंच नीच का, छुआछूत का, शोषण का, यह सब समाप्त होना चाहिए। अब महात्मा गांधी जैसा क्रांतिकारी कौन होगा जो खुद पखाना साफ करने लगे और ये कहे कि ये काम किसी दूसरे मनुष्य से करवाना से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। तो जो इस मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध महात्मा गांधी खड़े थे, और गीता प्रेस के जो प्रकाशन हैं, जो पुस्तकें हैं, वो उस मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करती, वो जातीय शोषण का, जातीय सोपान की को श्रेष्ठ बताती हैं, और ये भी कहती हैं, चाहे वो मनु के हवाले से कहती हूं, कि ये कार्य का विभाजन है और ये हमारा इजाद किया हुआ बहुत सुंदर तरीका है।
तो जो संविधान के भी विरुद्ध है और जिसको गीता प्रेस एक धर्म का बाना देकर स्थापित करती है। धर्म हर मनुष्य के लिए जरूरी है, हर और उस धर्म से मनुष्य को एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन धर्म के नाम पर अगर आप शोषणवादी व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं, तो ऐसा धर्म स्वीकार्य ना तो महात्मा गांधी को था और ना इस संविधान वाले भारतीय आजाद भारत में किसी को हो सकता है। तो गीता प्रेस चाशनी के रूप में वो बांटती रही जहर, जो सबको मीठा लगता रहा कि हमें हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है, और धर्म ग्रंथों में कहा गया है तो मनुष्य उसको स्वीकारने के लिए भी जल्दी तैयार हो जाता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि गीता प्रेस ने अपने आप को नहीं बदलकर भारतीय समाज के पिछड़ेपन को बरकरार रखने का काम किया। वो उसने परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं की, और या ये कहते कि हम इन विचारों का समर्थन नहीं करते, इन पुस्तिकाओं में ये लिखा हुआ, लेकिन वो उसको ज्यों का त्यों छापते रहे। और भारतीय जनमानस, जो कि देखिए हर व्यक्ति उस क्रांतिकारी विचारधारा, हर व्यक्ति उतना जुड़ा हुआ नहीं होता। गीता प्रेस की पहुंच का सबसे बड़ा कारण क्या था कि वो धार्मिक उद्देश्य से कार्यरत थी। हर व्यक्ति को अच्छा लगता था कि धर्म की किताब आ रही है हमारे घर में, धर्म की किताब आएगी, कुछ संस्कार सीखेंगे, कुछ गुण सीखेंगे और अच्छी बातें होंगी। तो वो कल्याण पत्रिका घर घर में आती थी, और जो प्रकाशन थे, चाहे रामचरितमानस इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसकी पहुंच गीता प्रेस के माध्यम से हुई। गीता स्वयं की जो महाभारत और गीता का जितना प्रचार प्रसार गीता प्रेस ने किया वो कहीं नहीं हो सकता। उस सभी ग्रंथों में बहुत अच्छी बातें हैं, और मानस अपने आप में एक बहुत अनुपम साहित्यिक कृति, गीता अपने आप में बहुत कुछ जीवन का संदेश देती। ऐसी किताबों के साथ साथ ऐसे चीजें भी घरों में प्रवेश करती रहीं जिनकी उपयोगिता, और गीता प्रेस के संस्थापक स्वयं महात्मा गांधी से एक समय तक जुड़े रहे थे, लेकिन इस वैचारिक भिन्नता के बाद महात्मा गांधी ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। ये जो पूरा आजादी से पहले का दौर था, ये आपसी संवाद का दौर था। विपरीत विचारधारा वाले लोग एक दूसरे से संवाद करते थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि वो परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे। तो इस संवाद की प्रक्रिया में महात्मा गांधी का उनसे संवाद रहा। गीता प्रेस के बहुत सारे अच्छे कार्य थे, उसकी महात्मा गांधी ने सराहना भी की, और किसी के अच्छे कार्य हो तो उसकी सराहना की ही जानी चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर जिन पुरातन मूल्यों का पोषण हुआ, उसने वो महात्मा गांधी की गरिमा के खिलाफ तो है ही है, मैं तो ये भी मानता हूं कि इस देश के संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि उस विचारधारा का वो विरोध करते हैं जो संविधान ने स्थापित की, जो मानदंड स्थापित किए संविधान ने कि वो हर मनुष्य में बराबरी होनी चाहिए, स्त्री पुरुष में बराबरी होनी चाहिए, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा अगर भेद जो उस समय के हिंदूवादी संगठनों और महात्मा गांधी में पैदा हुआ, वो धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण का था। गांधी का विचार सबके सभी धर्मों के लिए खुले भारत का था, जो भारत बना भी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग सक्रिय थे जो इस बात के बहुत खिलाफ थे कि जब आजादी के बाद के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन गया तो हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हो जाना चाहिए था, हम सर्वसमावेशी क्यों रहे। और इस प्रश्न को धीरे धीरे संगठनों के माध्यम से भारतीय जनमानस में डाला भी गया, उसका बीज बपन भी किया, उसे पल्लवित पोषित किए जाने का सिलसिला जो पिछले 70 सालों में रहा वो आज भी जारी है और कहीं तक पोषित भी हो चुका है बिना उस पृष्ठभूमि को जाने समझे। तो महात्मा गांधी का विरोध गीता प्रेस से लेके हिंदू महासभा और चाहे मुस्लिम लीग इसलिए करते थे कि वो
एक ऐसा मानवीय समाज के स्थापना के पक्षधर थे जिसमें जाति, वर्ण, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं हो और मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, उसको समानता का दर्जा मिले, तो यहां से ही अंतर शुरू हो जाता। गीता प्रेस के संस्थापक को महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया, उसमें उनका भी नाम था, वो गिरफ्तार भी रहे, वो बाद में उससे कोर्ट द्वारा मुक्त कर दिए गए, अपराध मुक्त, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध तो उन्हें बनाती ही है इस नाते। तो एक व्यक्ति जो महात्मा गांधी की हत्या का आरोपी भी रहा हो, उसे महात्मा गांधी के नाम का स्थापित शांति पुरस्कार दे दिया जाए, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ये बिल्कुल वैसी बात है कि हम हिटलर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए रिकमेंड करें। तो क्या हिटलर को, मुसोलिनी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता है? तो वही बिल्कुल तर्क यहां आकर इस पर बैठता है कि आप गीता प्रेस को सम्मानित करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन महात्मा गांधी को इस तरह से अपमानित मत करिए। इसका विरोध इस नाते है, और इस नाते करना मैं समझता हूं कि ना सिर्फ सबकी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारे संविधान के मूल्यों की जो रक्षा का संकल्प लेते हैं, उस दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि गीता प्रेस ने उन जड़ मूल्यों का पोषण करने का काम किया है जो संविधान के विरुद्ध रहे हैं और संविधान का जो समर्थन नहीं करते हैं। आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, और जी बात उठनी भी चाहिए। सवाल तो मुकम्मल है अपनी जगह, और इस पर चिंतन होना ही चाहिए। तो आज के लिए अपन विदा लेते कैसे हैं, फिर जल्दी ही नए विषय की तलाश लेके आपके पास आएंगे और बिल्कुल फिर जरूर, नया शुक्रिया करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। हाँ।